शिम टाइम के सारे दर्शकों मेरा राम राम, मैं डिंपल वर्मा। भाई बिलावर का उठी जाना मैं अज आता बसोली। मेरी बसोली आने की वजह है कि बिलावर ने जितते जेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी जिन्हें लोगों बिलावर ने वोट दी है ना उन्हें, तो वह बिलावर च लोगों का यह कहना कि भाई बिलावर च लभदे नहीं है। लेकिन असी शिव टाइम की टीम की पता लग गया कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी बसोली आ गए न। अस बिलावर का उठिए अस बसोली आए। अज उसे उनका जो इंटरव्यू लेता कि क्या बिलावर के लोग जिन्हें उन्हें वोट दिते न, तो वोट देने बाद बिलावर च के डिवेलपमेंट हुई है और बिलावर के बिलावर के लोगों के सुविधा मिली है। अज मैं जेके बिलावर की जनता के सवाल जेके डॉक्टर निर्मल सिंह जी अगर जेके पेश रखने और उन्दे कन्नै जम्मू कश्मीर का जेका यूथ आए दिन रोड उपर बैठता जो जम्मू कश्मीर के यूथ है तो उन्हें तीन तीन साल अज भर्ती है उदे भी होगी तो जिन्हें बच्चे भर्ती दिखदियां ना तो उन्दे हाली तक वो आर्डर भी जी नहीं निकले हैं। इस उपर भी जी असें डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी साढ़े डॉक्टर निर्मल सिंह जी ना उन्दे भी असें बयान सुनने न। जल शक्ति मिशन, क्योंकि जिस वेले भी कोई भी इलेक्शन आती ना तो साढ़े जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े दिग्गज नेता ने कोई भी पार्टी के हैं वो तो इको इलेक्शन लड़ते हैं कि पानी उपर। जल शक्ति मिशन साढ़े देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी स्कीम रखी है जल शक्ति मिशन, लेकिन जीरो ग्राउंड उपर क्या वो जल शक्ति मिशन क्या जीरो ग्राउंड उपर सक्सेसफुल है या नहीं है। रोड भी रोड के उपर गल की जा दयाला चक टू बिलावर की जो रोड बनता हॉस्पिटल की गल जी अब डिप्टी निर्मल सिंह जी अगर असें पेश रखनी है। क्यों? क्योंकि जनता के सवाल असें जेके इतों के पोलिटिकल लीडर जो नुमाइंदे जितते ना क्योंकि उन्हें पूछने असें क्योंकि जनता को भरी भरी पेटियां ने वोट लेते हैं। वोट लेने बाद क्या इन पोलिटिकल लीडर का क्या कोई दायित्व नहीं बनता? क्या बड़े बड़े काम के साढ़े बिलावर के लोग छोटे छोटे मसले हल नहीं करने? क्योंकि साढ़े देश की 75 साल को भी ज़्यादा ये देखिए आज़ाद होता है लोगों अगर पानी नहीं होग बिजली नहीं होग रोड नहीं होग तो क्या बिलावर का जो नुमाइंदा जितना जम्मू का चली जाग तो क्या बिलावर उनका कोई दायित्व नहीं बनता? कि जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू एक चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई चुके थे 3 साल बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही। उस सरकार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अंडर लीडरशिप के डेली बेस नहीं के फैसिलिटी मिलती है क्योंकि 300 रुपया एक दिन का बड़ी वही गल क्या 9000 रुपया महीने कन्नै 10000 रुपया महीने कन्नै क्या एक डेली वेजर तबका अपनी जिंदगी या अपनी फैमिली की वो पाली सकता? इे जनता का सवाल अज डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी कन्नै मैं असें अज असें पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद। मेरे कन्नै इस वेले मौजूद न फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी जेडे बिलावर का जीती है बड़े अच्छे बूटे कन्नै जीते हैं अज मेरे कन्नै इस वेले मौजूद न। सर बड़ा बड़ा शुक्रिया सर का धन्यवाद। सर बिलावर के लोगों के जनता बच्चे एक रोष है कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी जिस वेले जीती है उन्होंने भाई बिलावर आते ही नहीं हैं लभदे नहीं हैं सर के बोल के सर इस उपर तुस उन्हें रोष कुसी है मी पता नहीं लेकिन मेरे 850 करोड़ कम लोग चेता ने ठीक है जोड़े बड़े बड़े कम हो दो कॉलेज एक कॉलेज रामकोट कॉलेज इंटर अपने वर्कशॉप बनाई है पूरे 4 करोड़ की बनाई है ठीक है आयुष्मान भारत आयुष्मान का हॉस्पिटल बने करता है बाकी जरा तुम दिखी लो तो सफिंतर की रोड है जी सुखाल की रोड है इन्नी सोहनी रोड बनी है बाकी रोड्स ने हम बोलना करते हैं ठीक है फिर मैं जानी कि क्योंकि मैं डिप्टी सी एम हाँ और 3 साल तक सिर्फ मिले न इस वास्ते वो कारण है हर आदमी नहीं मिली सके अस लेकिन फिर भी जिसले भी मौका मिलता अस मिलने हैं खुशी गमी च सारे आते जाते रहने। सर डिवेलपमेंट की गल की जाए तो सर बिलावर के इस वे सारे पता कि पानिया का जो बड़ा ज्यादा मसला चला था पानी की और साढ़े देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी अच्छी गल बोली जल शक्ति मिशन लेकिन कुदै कई जगह तुम देखो बिलावर दियोली देखो या फिर अपना धर्मकोट वाली साइड देखो या फिर किशनपुर वाली साइड देखो उत्थे से ट्यूबवैल बनते 3-3 साल हो गए ना लखां रुपए गौरमेंट के लगी दे लेकिन उन्हें ट्यूबवैलें तक अज तक सर पाइपां नहीं पईयां ने लोग उइयां तो उइयां त्रै दिन ये तो गल ठीक है पानी की किल्लत है और इसलिए साढ़े प्रधानमंत्री जी ने जियां PMAY का स्कीम शुरू की 2024 तक हर घर की असें पक्का करना है उस तरीके हर घर की जानि कि पाइप द्वारा पानी पहुँचाना जरा जल जीवन जरा मिशन जरा है वो है और मांडली शायद ब्लॉक आए दा है इं बला बसोली का मानपुर आए दा कई है और पूरे वो टेंडर भी हुई है वो टाइम लगना है क्योंकि पहले हाँ जेडे हैंडपंप लगाते हैं तो वह पानी जानि कि चली डाउन चली जाता हा
तो इस वास्ते करे करते लेकिन हाँ लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि मैं जल्द डिप्टी सीएम हाँ कि मैं कोई 26-27 स्कीम जड़िया ने सारा सर्वे करवाया जिद 117 करोड़ का बजट है। 3-4 स्कीम असें लागू की लेकिन इतना ज़्यादा वो बजट आ तो जकदम अस कर नहीं सकते। 3 साल 3 स्कीम असें लागू की और तुम्हें याद होना चाहिए कि दिहोली के बच्चे जो इंडस्ट्रियल स्टेट के दिहोली की गल की है उत्थे पानी व्यर्थ जाता है वो भी पानी डाइवर्ट करिए असें लोगों दिता हा लेकिन पानी की बड़ी किल्लत है बिजली की है पानी की है अज भी बड़ी किल्लत है बिल्कुल सही है। सर गल की है जम्मू के यूथ की अज डेली वेजर तबका सर रोड उपर बैठे कोई 3 साल की 4 साल की कोई भर्ती नहीं हुई जेडे बंद जो मुड़े जिन्हें भर्ती दिखती है अज उन लिस्टा निकल आदि इस उपर सर के कदम चुके देखो जो डेली वेजर का है जिसलै अस सरकार चाहे तो उस 60,000 लोग है ये डेली वेजर और फिर वो बाद एक कमेटी बनी कैबिनेट सब कमेटी बनी जिद मैं ही चेयरमैन आदा डिप्टी सी एम के तौर पर और फिर अस SRO 520 असें बनाया लेकिन SRO 520 अस लागू उसल नहीं करी सके क्योंकि उसके साथ टाइम नहीं है लेकिन हूँ सरकार ने उन्हें जरा उनका जरा जरा डेली वेजर की जी वेजेस ने उन्हें बधाया 300 रुपया पर डे किया है थोड़ा बहुत रिलीफ मिले उन्हें लेकिन जिन्हें के ये भी पक्का है भी इन्हें कुछ बनता नहीं है लेकिन जरा है उन्हें और अच्छा बिल जानी कि जरूर है साड़ी पार्टी के एजेंडे पर है लेकिन ये भी गल सही है कि अस दिखने कि जरा SSRB ने हूँ पिछले 20,000 पोस्टा कटिया असें मनना पो क्योंकि सरकारी नौकरियां जिहड़ियां लिमिटेड ने हर आदमी रोज़गार नहीं मिल सकता सरकारी रोज़गार नहीं मिलता लेकिन है कि सरकार ने कोशिश करै कर दी है 70,000 करोड़ दी इन्वेस्टमेंट जड़िया ने वो जम्मू च आने का कोशिश हो सकती है जिसे नवी फैक्ट्रियां लगन गियां बाकी होग उसके कन्ने रोज़गार मिलेगा उसके कन्ने एक अच्छा लोगों नौजवान ने रिलीफ मिलेगा लेकिन सरकार की प्रायोरिटी पर है ये उन्हें लोगों रोज़गार मिले ये भी सर बिलावर हॉस्पिटल जी बिल्डिंग अज तक करो अनकंप्लीट पेदी है सर इस के प्रयास किया क्योंकि बिलावर इसलिए मेरी डायरेक्ट जिम्मेवारी तो नहीं है मैं लगभग 3 साल का मैं MLA नहीं है लेकिन डेफिनेटली एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहना है वो जरूर मेरे जानी कि जिम्मेवारी बनती है लेकिन पता नहीं उनके है कि वो असें पहले 3 बैड का हॉस्पिटल हा 100 बैड का तुम देखे हो कि जिसमें मैं इतने आया तो जकदम वो बनना शुरू हुई लेकिन मुझे लगता कि फंड्स की कोई जिनी सरकार नहीं रिलीज़ करा तो मैं चाहूँ कि सरकार जो फंड रिलीज़ करे आयुष मान का भी एक मांडली बिल्डिंग बनाया करती वो भी इसे भी लोग रिलीफ मिलेगा एक और है कि मैं 35 लाख रुपये की एक क्रिटिकल एम्बूलेंस जी लिया स्पेशली बलौर वास्ते क्योंकि एक्सीडेंट्स बड़े होंगे है बिल्कुल है लेकिन वो भी इतों चली गई जिन्हें कि मैं चाहूँ भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें जरा बलौर की जरा हिस्सा बलौर की मिलना चाहिए और इतने जानी कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। सर एक आखिरी क्वेश्चन है कि बिलावर की जनता में एक थोड़ा इं सवाल भी चला दे कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी हो सकता इस बार जो इलेक्शन होंगे तो बिलावर का असी टिकट उपर इलेक्शन लड़न या फिर वो बसोली का लड़न किस देखो जी अस पार्टी के जानी कि जो आखना अनुशासित सिपाही हैं पिछले बार जिसल मैं बलौर च आया तो कुछ पता कि मैं बलौर च आना है पार्टी ने आख्या तुम बलौर च लड़ो असें बलौर च लड़िए पार्टी जी आदेश देख चल गए। सर शुक्रिया सर बहुत बहुत धन्यवाद।